हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ चार डिफरेंट काइंड ऑफ के हेयर स्टाइल दिखाने वाली हूँ, और वो भी स्कूल में लगने वाले जो फंक्शन होते हैं, कल्चर प्रोग्राम होते हैं, उनके लिए बच्चों को, मतलब उनके छोटे हेयर होते हैं तो उनकी हेयर स्टाइल किस तरह से की जाए, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये है इस पहली वाली हेयर स्टाइल, जो कि हमें पोनीटेल कर लेनी है, और उसके बाद हमें ऐसे राउंड राउंड घुमा के हमारी जो छोटी है उसके बीच में से उंगली डाल के हमारे जो ये हेयर है वो हमें उल्टा करके निकाल लेने हैं बाहर, और निकालने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। हमें पूरा रबर बैंड दिखे तब तक खींच कर निकालना है, और ये हमारे जो हेयर है उन्हें कॉम कर लेना है अच्छे से, और नीचे एक क्लचर की हेल्प से हमें मतलब अच्छे से ये कर लेना है, ताकि हमारा जो जुड़ा है वो अच्छे से फ्लपी लगे, और नीचे हमारे ये जो एक्स्ट्रा के हेयर है उन्हें हम रबर बैंड से सिक्योर कर देंगे ताकि निकले ना। और रबर बैंड से सिक्योर करने के बाद हम इसे यू पिन से भी सिक्योर कर देंगे, ताकि हमारा जो जुड़ा है वो एकदम से उभर के आए और एकदम से अच्छा बढ़िया वाला लुक आए हमारे जुड़े का। तो ये देखिए, ये चाइनीज जुड़ा जो होता है उस काइंड ऑफ का लग रहा है। तो मुझे ये वाली हेयर स्टाइल बहुत पसंद है, और खुशी को भी ज़्यादा पसंद है ये हेयर स्टाइल। तो हमें यू पिन की हेल्प लेनी है इस जुड़े के लिए, और आपके पास अगर कोई भी अच्छी वाली पिन हो तो वो आप लगा सकते हो यहाँ पर ऊपर। मैंने मेरे पास गुलाब का फूल था रेडीमेड वाला, तो वही लगा दिया है, और आप देख सकते हो हेयर स्टाइल। और आगे भी आप अपने जो हेयर है वो कर्ल कर सकते हो छोटे छोटे, मतलब आगे दोनों साइड। ये देखिए खुशी की ये पहली हेयर स्टाइल थी, तो ये है दूसरी वाली हेयर स्टाइल। यहाँ पर हमें बीच में से मांग निकाल लेनी है, और हमें दोनों तरफ के जो हमारे हेयर है वो थोड़े थोड़े निकालने हैं सेक्शन, और बाकी के हेयर को मैं यहाँ पर क्लचर से टक कर लूँगी ताकि वो बीच बीच में ना आए। तो ये मेरी सेकंड हेयर स्टाइल है, जो कि मैं खुशी के कल्चर प्रोग्राम में बनाया था मैंने ये वाली हेयर स्टाइल। तो यहाँ पर हमें छोटा सा सेक्शन निकालना है, और उसमें हमें चोटी बनानी है, और चोटी बनाने के बाद हमें छोटे छोटे सेक्शन लेते जाने हैं, अंदर डालते जाने हैं, जैसे हम हमारी जो सागर वेनी बोलते हैं वो वाली बनाते हैं उस काइंड ऑफ की। तो इसी तरह से हमें पूरा जो है बनाते जाना है, छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं, और चोटी में डालते हुए हमें इस हेयर स्टाइल को बनाना है। और ये वाली हेयर स्टाइल घाघरे पे, साड़ी पे, और वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी अच्छी लगती है, बट घाघरे पे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देखिए ये वाली हेयर स्टाइल, एक ये दूसरे नंबर की हेयर स्टाइल है। तो यहाँ पर खुशी जो है पूरा मेकअप करके बैठी है, देखो उसने बहुत सारा पाउडर लगा लिया है फ्रेंड्स, और बहुत ही नखरे भी कर रही थी कैमरे के सामने। तो मैं जल्दी जल्दी ये वाला जो हिस्सा है वो कर लूँगी। एक हिस्सा हमें पहले बना लेना है एक तरफ की चोटी, फिर हमें बाद में दूसरी तरफ की चोटी बनानी है, और इसके आगे भी मैं आपको दूसरी वाली हेयर स्टाइल दिखाऊँगी। मतलब एक ही हेयर स्टाइल से हम दो तीन हेयर स्टाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पर खुशी जो है मेरी हेल्प कर रही है थोड़ी बहुत, तो वो उसे बहुत ही शौक़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाला उसे हेयर स्टाइल करना बहुत ही पसंद है। वो मेरे भी बालों में कॉम करती बैठती है, हेयर स्टाइल बनाते बैठती है, बट मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे सिंपल ही एक जुड़ा या तो एक चोटी, बस मैं कोई हेयर स्टाइल वगैरह नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। जिसकी उसकी चॉइस होती है। तो मैंने खुशी का जो कल्चर प्रोग्राम था डांस का, उसमें भी खुशी को यही वाला हेयर स्टाइल करके दिया था, तो उसे ये हेयर स्टाइल ज़्यादा पसंद है। और फर्स्ट नंबर में जो हेयर स्टाइल थी जुड़े की, फ्रेंच वाला जुड़ा, वो हेयर स्टाइल उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो वेस्टर्न ड्रेस के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है, मुझे भी पसंद है, बट मुझे
बीच में मांग निकाले बिना नहीं होता, तो मैं नहीं बनाती हूँ। और मेरे लंबे हेयर है, छोटे हेयर वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वाला ऑप्शन है वो। तो ये देखिए, हमें पीछे के जो हेयर है उन्हें कॉम कर लेना है, ताकि हमारे जो बाल है, मतलब हमारे जो हेयर है वो अच्छे से कॉम हो जाए। और ये जो दोनों छोटी है उन्हें हमें एक क्लचर की हेल्प से सिक्योर कर देना है, और उन्हें वो जो छोटी थी उसे हमें थोड़ा ढक देना है ताकि वो दिखे ना। तो ये है सेकंड नंबर की हेयर स्टाइल हमारी। आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाहर पता नहीं क्यों ज़्यादा, मतलब फटाके की आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लग रहा था मैं वॉइस ओवर करूं या ना करूं, बट कोई नहीं। तो हमारी सेकंड नंबर की जो हेयर स्टाइल है वो हो चुकी है, और अभी हम बनाएंगे थर्ड नंबर की हेयर स्टाइल। तो हमें आगे की जो चोटी है वो ऐसे ही रहने देना है, और यहाँ पर हम बनाएंगे पोनीटेल, जो कि मैंने रबर की हेल्प से बना लिया है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ का यूज करेंगे, इसे क्या बोलते हैं, डोनट बोलते हैं या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। तो मैंने इसकी मदद ले, मतलब इसकी हेल्प ले ली है। और यहाँ पर हमें बीच में से ऐसे अपने हेयर कर देने हैं, और थोड़ा सा कॉम भी कर लेंगे हम हेयर को, और ब्लैक रबर बैंड से हम इसे कवर कर देंगे। और ये जो बचे हुए हमारे जो हेयर है उन्हें हम दो सेक्शन में करके उन्हीं पे रोल करके टक कर देंगे, सिक्योर कर देंगे हमारी यूपिन से। तो ये देखिए, अपने आप में ही ये जुड़ा बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मुझे तो ये वाली हेयर स्टाइल ज़्यादा पसंद है। मैं खुशी को जब भी घाघरा और ऐसे, मतलब अच्छे वाले ड्रेस पे अगर हेयर स्टाइल करना चाहती हूँ, तो मैं यही वाली हेयर स्टाइल उसे बना के देती हूँ। तो यहाँ पर खुशी ने फ्लावर में जो, मतलब फ्लावर का जो वेल है वो मुझे लगाने के लिए दे दिया था, तो उसकी चॉइस भी बहुत अच्छी है, उसे पता है किस चीज़ पे क्या लगाना है। तो ये देखिए, मैंने लगा दिया है। और यहाँ पर हमें एक जुड़ा पिन आती है वो लगाना है, बट मेरे पास नहीं था तो मैंने क्लचर जो था मेरा डायमंड वाला वही लगा दिया, बट अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने लगा दिया। तो यहाँ पर मेरी थर्ड नंबर की जो हेयर स्टाइल है वो हो चुकी है, और हम करेंगे अभी चार नंबर की हेयर स्टाइल। तो इसमें हम बिंदी भी लगा सकते हैं बीच में, ये देखिए बिंदी लगा के इसका लुक तो और भी ज़्यादा खिल के आ रहा है। और अभी हम बनाएंगे चार नंबर की हेयर स्टाइल, तो जो कि हमारी वही रहने देना है, हमें सिर्फ निकाल लेना है वो जो रबर बैंड लगाया था वो, और हमें छोटी सी छोटा सा सेक्शन उठा के उसकी चोटी बनाना है। और हमने जैसे आगे चोटी बनाई थी उस काइंड ऑफ का छोटे छोटे सेक्शन लेके हमें चोटी बनानी है राउंड राउंड। तो हमें पूरे राउंड में ऐसी इस काइंड ऑफ की चोटी बना लेनी है। ये मैंने यूट्यूब पे देखा था ये वीडियो, मैंने तो वहाँ से सीखा है फ्रेंड्स, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मुझे इससे भी अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल आती है, तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर दूसरी जो हेयर स्टाइल है वो अपलोड करूँगी। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो ये देखिए, ये है खुशी की हेयर स्टाइल चार नंबर की, जो कि मैं, मतलब कभी कहीं जाना हो शादी में या पार्टी में, तो मैं खुशी को ये वाली हेयर स्टाइल डेफिनेटली करती हूँ, बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो ऑलमोस्ट पूरी होने में है ये मेरी जो हेयर स्टाइल है वो। तो ये देखिए, खुशी भी बहुत इंजॉय करती है जब मैं उसकी हेयर स्टाइल बनाती हूँ, उसे बहुत ही अच्छा लगता है हेयर स्टाइल बनाना और मेकअप करना। तो यहाँ पर मेरी ऑलमोस्ट हेयर स्टाइल जो है फिनिश होने में है, हमें सिर्फ अभी इसे टक करना है।
तो मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं बहुत ही अच्छे अच्छे से वीडियो लाती रहती हूँ। तो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाली मेरी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए और आपको जल्दी से मेरी वीडियो दिख जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर खुशी का जो जुड़ा है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। और ये जो आगे हमने ये छोड़े हुए हैं दो चुटली, वो भी हमें इसमें ही टक करने हैं। तो हम इसे अंदर से छुपा के टक कर सकते हैं, या तो ऊपर से दिखा के भी टक कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से किए हैं ताकि वो दिखे ना, और हमारे जूड़े का जो लुक है वो अच्छे से उभर के आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर जो जूड़ा पिन है वो लगा रही थी, फ्लावर वाला, बटरफ्लाई वाला था वो। तो ये देखिए, ये है फाइनल लुक, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा और आपको चारों हेयर स्टाइल में से कौन सी हेयर स्टाइल पसंद आई वो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।